हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं अपने गांव आ चुकी हूँ, भरतपुर। तो आज मैं वहीं पे हूँ, अभी मैं किसी के घर आई हूँ। तो चलिए, तो भरतपुर का आज हम व्लॉग शुरू करते हैं। मैं बोल नहीं रही हूँ कोई है, ये हमारे पहले दिन का है। जिस दिन आए थे उसके नेक्स्ट डे हमारे यहाँ पे मतलब रामायण का पाठ था, तो उस दिन है। यहाँ मेरे चाचा जी और मेरी चाची सास बैठी हैं, और मैं और मेरे हस्बैंड बैठे हैं पूजा में। तो ये पूरे 24 घंटे का पाठ चला था, तो सुबह की पूजा हमसे ही होनी थी, इसलिए सिर्फ हम बैठे हैं। पर बैक साइड हमारे साइड में हमारे बड़े बैठे हैं, सारे जेंट्स वगैरह बैठे हैं, इसलिए हम दोनों ही घूंघट में हैं, क्योंकि उनके भी बड़े बैठे हैं और मेरे तो सभी बड़े हैं। हमारे में घूंघट होता है, इसलिए कोई भी किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप नहीं जानते तो राजस्थान में घूंघट की प्रथा बहुत है। और ये हम अगले दिन उसी दिन शाम के टाइम पे मेहंदी का कर रहे हैं, क्योंकि अगले दिन हमारे कुआ पूजन की रस्म है। ये मेरी सिस्टर इन लॉ है दोनों, मेरी बड़ी चाची जो है, चाची सास हैं, उनकी दोनों बेटियां हैं। ये बड़ी हैं जो साड़ी पहनी है, और जो लगा रही हैं वो छोटी हैं, वो अपनी बहन को मेहंदी लगा रही हैं, उसके बाद मुझे लगाएंगी। और ये हमारे जो अभी पूजा में बैठे हुए थे उनके बेटे हैं छोटे, ये मेरा बेटा बैठा है छोटा। यहाँ पे खाने का प्रोग्राम शुरू हो चुका है, तो बनना शुरू हो गया। मेरी ननद है जो पिंक कलर की साड़ी में है, और वहाँ मम्मी बैठी हुई हैं, मेरी चाची बैठी हुई हैं। तो बस अब मेरे भी हाथ में मेहंदी लगना शुरू हो चुका है। देखिए, ये मेरा ही हाथ है और मेरी ननद ही मेरे हाथ में मेहंदी लगा रही हैं। तो काफ़ी अच्छी मेहंदी लगा लेती हैं ये, और इनसे बड़ी वाली तो और भी अच्छी मेहंदी लगाती हैं, पर उनका बेबी उन्हें बहुत परेशान कर रहा था, इसलिए वो मेहंदी नहीं लगा पा रही थी। तो इसीलिए छोटी वाली ने मेरे हाथों पे मेहंदी लगाई है। मुझे ये मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, मुझे दोनों तीन हैं, एक चार हैं एक्चुअली। मेरी तीन तो चाची की बेटी हैं और एक मेरी अपनी है, तो ये चारों ही मेरी सिस्टर इन लॉ मुझे बहुत पसंद हैं, और इनको मैं भी बहुत पसंद हूँ। शायद मैं अपने आप से बोल रही हूँ, पर रियली में हम लोग सब एक साथ रहते हैं। ये मेरे हाथ में कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं मेहंदी पूरे हाथ की कंप्लीट हो गई है। ये यहाँ से ये देखिए पूरी तरीके से। अब ये हमारे यहाँ पे शाम को ही चाक भात की वो चाक की पूजा होती है। यहाँ पे चौखट पे ये कुछ गोबर से ये कुछ बनाए जाते हैं, इनको जरूर बनाना होता है जिस दिन हमारा अगले दिन। जैसे अगर कुआ पूजन है तो एक दिन पहले बनाया जाता है। ये हमारी बुआ सास है जो ये रस्म को पूरी कर रही हैं। ये जो इस चौखट पे जो बन रहा है, ये मेरी चाची जो मेरी चाची जी हैं उनका कुआ पूज रहा है, तो उनके लिए बन रहा है। मेरा दूसरी तरफ बनेगा, जो मेरा परली तरफ मेरा कमरा है, मेरा उसमें बनेगा, क्योंकि गांव में भी हम सबके अपने अपने कमरे हैं। ये हमारे यहाँ पे गीत गा रहे हैं लेडीज़ है सारी। ये मेरी सासू माँ बैठी हैं ब्लू साड़ी में, उनके सामने जो बैठी हैं वो उनकी भतीजी हैं, और पिंक साड़ी में मैं बैठी हूँ। एक्चुअली वहाँ पे आगे हमारे बड़े खड़े थे, तो इसलिए मैंने घूंघट किया हुआ है। ये मेरा बेटा है परेशान कर रहा है, ये जो ये शूट कर रही है वो मेरी बेटी शूट कर रही है, क्योंकि मैं गांव में हूँ, मैं कैमरा लेके नहीं घूम सकती थी वहाँ पर। और मेरी ननंद की सासू माँ ढोलक बजा रही हैं, पीछे मेरी बुआ सास बैठी हैं। तो यहाँ पे ये घर घर की हैं लेडीज़ें, बाहर की नहीं बुलाई हैं, क्योंकि बहुत लोग हो रहे थे ऑलरेडी, तो ये आधे लोग सो भी चुके हैं, तो ये लास्ट में ये रस्म करनी थी तो इसलिए कर लिया। अभी ये गीत जो है मेरी मतलब चाची सास के लिए ही बज रहे हैं, और यहाँ पे जो सोफे पे बैठी हैं मेरी दादी सास बैठी है, और उनकी जेठानी बैठी हैं। ये यहाँ पे मेरी दादी सास भी हैं, वो काफ़ी बुजुर्ग हैं। तो मम्मी जी हैं जो बोल रही हैं, कुछ महक को बुला रही हैं। और ये हमारे देखिए कितने बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया है, ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज़ से बना के हमने सिर्फ छाप दिया है, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट सर्कल में बनाया है जो भी ये बनाया था। और अब उसके बाद मेरी ननंद मेरे लिए बनाएंगी, वो दूसरी तरफ बनाएंगी, वो सामने वाले आपको दरवाजा दिख रहा है वो उधर बनाएंगी। अब मैं देखिए, अब मैं पूजा कर रही हूँ। जो हमने बनाया था वो चौखट पे मेरी सिस्टर इन लॉ ने बना दिया है, अब उसको पूजा जा रहा है। वहाँ पे चाची जी ने पूज दिया है, अब मैं पूज रही हूँ।
तो मेरी बुआ सास जो हैं वो बता रही हैं किस तरीके से पूजना है, बुआ जी बता रही है, तो मैं उसी तरीके से पूज रही हूँ। मैंने अपने बेटे को गोद में बिठाया हुआ है, क्योंकि इस रस्म में बच्चे को गोद में ही रखना होता है। अब बेटा तो बड़ा हो गया है, तो उसे मैंने इस तरीके से बिठा रखा है। अब इसके बाद जब पूजा हो जाएगी ये सब करने, तो जितनी यहाँ पे लेडीज़ हैं और जितनी हमारी बड़ी हैं जिनका नेक बनता है, उन सबको मैं कपड़े दूंगी, जो साड़ियाँ दूंगी उनको पैसे रख रख के। वो एक तरह से नेक होता है जो मुझे देना होता है, तो इस तरीके से बांटेंगे। और फिर आज रात में यही सारा प्रोग्राम होगा, फिर खाना पीना खाने के बाद फिर सुबह फिर वही पूजा का मेन प्रोग्राम चालू हो जाएगा। पूजा करने के बाद फिर हमारा खाना पीना शुरू हो जाएगा, भंडारा शुरू हो जाएगा, और फिर खाना पीना जो गेस्ट लोग आने लग जाएंगे। फिर उसके बाद कुआ पूजन की विधि शुरू हो जाएगी। कुआ पूजन की विधि शुरू होने के बाद ही फिर हमारा और छोचक का प्रोग्राम शुरू होगा। ये सारा प्रोग्राम लगे, इसमें एक्चुअली मेरे पास कुआ पूजन की वीडियो नहीं है, क्योंकि मेरे फ़ोन में से पता नहीं किसने डिलीट कर दी है या कैसे हट गई, बच्चों ने फ़ोन ही नहीं छोड़ा। तो बस फिर भी मैंने जितना मेरे से शूट हुआ, मैं जितना है मैं उतना आपको दिखाती हूँ। पर जिस दिन हमारी वीडियो बन जाएगी, क्योंकि वहाँ पे वीडियोग्राफर भी आए थे तो वो बनाएंगे, तो वो मेरे पास आएगी तो मैं आप में उसमें से ज़रूर दिखाऊंगी कुआ पूजन की वीडियो। ये मेरा बेटा है जो माथा टेक रहा है, और आधे लोग सो चुके हैं, सो रहे हैं, बहुत थक गए हैं एक्चुअली, बहुत बिजी रहा। ये हमारे मतलब जो छोचक देते हैं, जो हमारे मेरे ये तीनों ससुर खड़े हैं, ये मेरी तीनों सासें खड़ी हैं, ये सबसे छोटी वाली है जिनका फेस दिख रहा है, ये छोचक लेते समय की फ़ोटो है जब अपने भाइयों को तिलक किया जा रहा है। ये तीनों देवरानी जिठानी हैं जो रेड साड़ी में, वो दोनों बहनें हैं ये, तो ये तीनों हैं मेरी, ये तीन सास हैं। येलो साड़ी वाली ये मेरी सास है और दोनों चाची सास हैं। ये रात में सारा प्रोग्राम होने के बाद ये डीजे लगा था, गाँवों का डीजे इस तरह का होता है, टम्पू में मतलब डैक वैक लगाए हुए होते हैं, और वो खूब तेज से बजा था, तो इस तरीके से डांस हुआ था। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, और इसी तरीके से मेरे चैनल के साथ बने रहिए। और भी आगे अच्छी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो आप मेरे साथ देखते रहेंगे। तो चलिए अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आप इंजॉय कीजिए डांस को, मैं चलती हूँ, बाय बाय। Thank you.